हेलो बच्चों, आज फिर एक नया वीडियो हम आपके सामने लेके आए हैं। आने वाले 3 दिन बाद 4 मार्च को 10th क्लास के बच्चों का साइंस का पेपर है। पहला पेपर बच्चों ने बहुत शानदार किया इंग्लिश का। अब हमें साइंस में भी 100 में से 100 लाने हैं, तो कुछ टिप्स, कुछ चीजें हम यहाँ पर लेकर आए हैं जिससे आपकी मदद हो सकती है कि कैसे हम साइंस के पेपर में 100 of 100 स्कोर करें। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पेपर का पैटर्न रहने वाला है। एनसीईआरटी पैराग्राफ्स जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, एक लगभग 50% आपके एग्जाम में आते हैं। डायग्राम्स की बात करें तो 15% डायग्राम आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। कुछ अदर क्वेश्चंस की बात करें 15% मिलने वाले हैं, और एक्टिविटीज के बेस पर लगभग 20% क्वेश्चंस हमें मिलने वाले हैं। तो इस तरह से हमारी तैयारी आपकी होनी चाहिए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है साइंस का, जिसमें हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आपको विशेष ध्यान रखना है कि केमिकल रिएक्शंस, उनके फॉर्मूले, इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर कोई भी चीज है तो उसको बैलेंस करना है। वहां पर एक एक चीज हमें लिखनी है, किस तरह से रिएक्शन के ऊपर लिखना है कि सनलाइट है, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, ये सब बातें आपको देखनी है। नेक्स्ट, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, बायोलॉजी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस में, फिजिक्स में रे डायग्राम्स आएंगे, फिजिक्स में इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बनाने को आएगा। तो सबसे पहले आप जब भी डायग्राम बनाएंगे, सपोज करो आपको डायग्राम बनाने को आ गया लेंसेस का, तो लेंसेस का जनरल डायग्राम है, हमें वो बनाने हैं। मेजर नहीं करना कि फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर बनानी है, आप अपने हिसाब से डायग्राम बनाएं, उसको लेवलिंग करें, उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ बनाएं, और आप उस लेवल को पेंसिल का यूज करना है, पेन से डायग्राम नहीं बनाना है। नेक्स्ट, हमने आपको ढेर सारे सैंपल क्वेश्चन पेपर्स दिए हैं। जो बच्चे घर क्लासेस में नहीं पढ़ते, उनके कोई फ्रेंड्स घर क्लासेस में होंगे, या आप हमें मैसेज करेंगे, तो हम आपको सैंपल पेपर्स भेज देंगे, एंड मोमेंट पर उनको रिवाइज कर लें सारे के सारे सैंपल पेपर्स में। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 से 26 होते हैं ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस में। हमें क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसको आगे सॉल्व करना है, इस तरह से चीजों को हमें करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई न्यूमेरिकल सेक्शन है तो आपने न्यूमेरिकल किया, उसके यूनिट पर अंडरलाइन करना है। जैसे फिजिक्स में फोकल लेंथ की बात की तो उसमें सेंटीमीटर लिखे, पावर की बात की तो डायोप्टर लिखे, इन सब को हमें अंडरलाइन करना है। मार्क्स वर्सेस डिफिकल्टी, क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, 2, 7, 12, इनमें डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है। 15, 13, 8 डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है। 9, 3, 11 से ऐसे डिफिकल्टी लेवल यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है, हमें किस तरह से तैयारी करनी है लास्ट मोमेंट पर, आने वाले बचे हुए 2 दिन किस तरह से हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको बच्चों एनसीईआरटी के एमसीक्यू कर लें, एग्जाम्पल्स कर लें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लें, एनसीईआरटी की एक्टिविटीज करें। लास्ट मोमेंट पर इसका विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी नई बुक से हमें नहीं पढ़ना है। बच्चों को मैंने देखा है लास्ट मोमेंट पर नई किताबें ले आते हैं, ऐसी गलती नहीं करना है। जो भी नोट्स आपने वर्ष भर बनाए हैं, पूरे साल में जो भी टीचर से आप पढ़े हैं, जो भी सैंपल पेपर आप लगाए हैं, जो भी बुक्स आप लगाए हैं, उसी का रिवीजन बार बार करते रहेंगे। और एंड में मैं सभी क्लास 10 के बच्चों को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूं। आप जाइए साइंस के पेपर में, घबराइए नहीं, बहुत ध्यान से पेपर को पढ़िए। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाता है जो आपको लगता है कि आपसे नहीं होगा, 2 मिनट आराम करिए, उसके बारे में सोचिए, ये सोचिए किस चैप्टर का क्वेश्चन है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं, उसके बारे में लिखिए। क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, पूरा करना है। तो फाइनली बच्चों बेस्ट ऑफ लक, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, अगर लाइक करते रहें, और आगे भी हम इसी तरह के वीडियो आपके सामने लेके आते रहेंगे। थैंक यू।